नरेंद्र मोदी जी, कल पहली बार बिहार के विधानसभा में कोई प्रधानमंत्री आए और बिहार के लोग बड़ी आशा भरी नज़रों से प्रधानमंत्री के तरफ देख रहे थे। जब बिहार को में पहली बार प्रधानमंत्री जी आए हैं तो बहुत बड़ी सौगात मिलेगी बिहार के लोगों को। तो मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को क्या दिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले भी कहा था, जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरे, उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में, पटना की धरती पर, और बेरोजगारों को रोजगार दे, तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति, हम समझते हैं, कोई मन में ये नहीं है, देने लायक के लिए नहीं है, और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।